कैसे हो आप लोग। उम्मीद कर रहे हैं गाइस सभी अच्छे होंगे। तो गाइस आपके लिए फेवस का लेटेस्ट बिल्ड लेके आया हूँ 17 गाइस। तो ये जो बिल्ड आया गाइस बहुत ही शानदार बिल्ड आया। तो गाइस आपको इस बिल्ड को यूज करके मज़ा आएगा गाइस, बहुत ही शानदार गाइस गेमिंग परपज से और डेली ड्राइवर वगैरह। तो आप किसी भी चीज़ में अगर इसे यूज करना चाहोगे तो गाइस आपको मज़ा आने वाला गाइस, शानदार बिल्ड है और सब कुछ है। और CTS प्रोफाइल वगैरह, नेटर रूट चेकर सब में गाइज एकदम सक्सेसफुल आ रहा है। तो गाइज सिक्योरिटी के लेवल पर भी अच्छा है, तो यहाँ पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत ही शानदार है गाइज ये जो बिल्ड आया, और जो नोट टोंगल वगैरह हैं वो भी सब कुछ मिल जाते हैं आपको गाइज इसमें। ऊपर की जो नोटिफिकेशन वार्क में जो ब्राइटनेस की जो पट्टी दिख रही है गाइज वो अब छोटी छोटी आने लगी, तो इसका मतलब यह था गाइज कि इसका जो नेक्स्ट जो बिल्ड आने वाला है वो गाइज एंड्रॉइड 12 पर वर्क करेगा गाइज। तो अब चलते हैं गाइज सेटिंग के अंदर। तो सेटिंग के अंदर अपन को यहाँ पे ये 11 बेस है गाइज लास्ट बिल्ड होगा मेरा, तो जहाँ तक पर उनका कोई भरोसा नहीं है गाइज, ये लास्ट में भी देते रहते हैं अपडेट, तो लेकिन ये लास्ट बिल्ड ही होगा मेरा हिसाब से। तो गाइज जो कर्नल वगैरह आप देख सकते हो और जो बिल्ड है वो भी देख सकते हो गाइज 17। तो ये वेनिला वर्जन था गाइज ऑफिशियल, और गाइज जो कर्नल है गाइज जो यूट्रोन का है गाइज, और बिल्ड वगैरह भी देख सकते हो आपको लेटेस्ट बिल्ड इस टाइम का। और हम बैक आते हैं गाइज अब। तो गाइज नेटवर्क सेटिंग वगैरह तो थोड़ा बहुत आपको सेटिंग के बारे में बता देता हूँ क्या कुछ नहीं। और जो गाइज नीचे रिसेंट बार है वो भी कुछ सही चेंज कर दिया गाइज, उसको बिल्कुल ही अलग आ गया आपकी बार। तो नीचे आपको कितनी रैम दी है वो सब कुछ बताता है, और यहीं से ही क्लियर कर सकते हो, नीचे से स्क्रीन शॉट वगैरह भी ले सकते हो और ऐप को क्लोज भी कर सकते हो यहाँ से गाइज। तो ये भी एक अच्छा फीचर इंक्लूड किया गाइज इसके अंदर, तो अच्छी बात है गाइज ये भी। और अब चलते हैं गाइज इन्हें क्लियर कर देते हैं, और अब सेटिंग में चलते हैं वापस गाइज। तो सेटिंग में गाइज हमें नेटवर्क सेटिंग देख लेते हैं एक बार। तो कुछ यहाँ पे तो सब कुछ वही है गाइज, यहाँ पे कुछ चेंज नहीं है। वाईफाई, हॉटस्पॉट, डाटा सेवर, VPN और प्राइवेट DNS, तो ये सब कुछ है गाइज। और अब देख लेते हैं गाइज कनेक्टेड डिवाइस और डिस्प्ले के अंदर भी गाइज यहाँ पे आपको भरमार मिल जाते हैं, फ्यूचरों को कमी नहीं मिलेगा। डार्क थीम वगैरह ये सब कुछ देख सकते हो गाइज, यहाँ पे फॉन्ट वगैरह सब कुछ चेंज कर सकते हो गाइज, एक एक चीज आप यहाँ से सब कुछ अपने अनुसार गाइज कस्टमाइज कर सकते हो उनको। तो गाइज ओवरऑल यही था गाइज, और बैटरी वगैरह भी अच्छी अच्छी चलती है गाइज, और साउंड भी इसका अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको साउंड के अंदर, साउंड एकदम बराबर है गाइज, साउंड में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। और स्टोरेज वगैरह भी कुछ ज़्यादा नहीं गिरती गाइज इसमें, कुछ फालतू ऐप तो आया नहीं इसके अंदर, जो सिर्फ गाइज काम के ऐप थे वही आए। और सिक्योरिटी में गाइज जो स्क्रीन लॉक वगैरह, फिंगरप्रिंट, फेस लॉक वगैरह और ऐप लॉक ये सब कुछ अच्छे से वर्क कर रहे हैं, यहाँ पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली गाइज, यहाँ पर सक्सेसफुल है सब कुछ। और गाइज अब चलते हैं गाइज रहे क्या गाया बताने को। जैन पार्ट के अंदर गाइज आप देख सकते हो यहाँ पे स्पेक्ट्रम प्रोफाइल है, वहाँ से आप गेमिंग मोड वगैरह, बैलेंस और परफॉर्मेंस जो भी आप चाहो तो वो सेट कर सकते हो गाइज यहाँ से। तो चार ऑप्शन मिलते हैं आपको यहाँ से, कोई सी सेट कर लेना, और थर्मल वगैरह भी यहाँ से सेट करना चाहो तो कर सकते हो गाइज यहाँ से। और गाइज सिस्टम रहा, सिस्टम के अंदर गाइज लैंग्वेज आ जाती है, गेस्चर और डेट एंड टाइम और बैकअप और रीसेट का ऑप्शन, और नीचे डेवलपर भी आ जाता है गाइज। तो ये सब कुछ आता है। अब गाइज रही सिक्योरिटी की, तो सिक्योरिटी में गाइज हम आपको चेक करा देते हैं पहले एक बार, पहले गाइज गूगल प्रोटेक्शन चेक करा देते हैं गूगल के अंदर क्या आने वाला है। तो गूगल के अंदर गाइज ये डिवाइस सर्टिफाइड आएगा गाइज, क्योंकि गाइज इसके अंदर सब कुछ सक्सेसफुल है, लास्ट बिल्ड है, तो इसमें जो भी कोई इशू थे वही सब क्लियर कर दिया गाइज ने, सब कुछ हटा दिया गाइज, कोई भी इशू नहीं रहा अब इसके अंदर। तो ये प्रॉपरली आप इसे अच्छे से यूज कर सकते हो गाइज इस लाइक है। और अब गाइज जब मैं सेफ्टी नेट रूट चेकर चेक करा देता हूँ गाइज, तो सेफ्टी में आप यहाँ पे देख सकते हो सब पे ग्रीन टिक आए, तो गाइज ये भी आपके लिए बेनिफिट का है। तो यहाँ पर भी आप बैंकिंग ऐप वगैरह को यूज़ कर सकते हो, जो SBI यूनो वगैरह वो सब यूज कर सकते हो। और गाइज जो सेफ्टी नेट है ये गाइज इंटरनेट ऑन होने पर ही आपको बताता है, वैसे गाइज ये सक्सेसफुल आता है, क्योंकि गाइज इंटरनेट मैंने ऑफ कर दिया था इसलिए इसका ये फेल बताया, पर गाइज कोई बात नहीं है, ये सक्सेसफुल पासवर्ड आता है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, CTS प्रोफाइल वगैरह सक्सेसफुल है, तो ये इंटरनेट से कनेक्ट होने के बाद में ही वर्क करता है गाइज। और Geekbench की बारी रही तो गाइज Geekbench भी बता देता हूँ, Geekbench क्या आने वाला है इसका। तो इसका जो Geekbench था गाइज वो
कमाल का गिगवेंच आया गाइज, शानदार बहुत ही उमदा परफॉर्मेंस मिलेगी आपको गाइज। यहाँ पे 1178 गिगवेंच आया, तो गाइज गिगवेंच में कोई कमी नहीं है, तो आप गेमिंग में आप अच्छे से खेल सकते हो गाइज। गेमिंग वगैरह कोई लैग नहीं मिलने वाला आपको, कोई हल्का फुल्का मिल जाए तो बात अलग है गाइज, नहीं तो गेमिंग में भी आपको कोई भी वो नहीं मिलेगा। और टोंगल में भी देख सकते हो गाइज, आप टोंगल में पूरे टोंगल मिलेंगे आपको टोटली, जितने भी टोंगल हैं गाइज, वाईफाई ब्लूटूथ वगैरह और ट्रांसपोर्ट वगैरह जो भी है गाइज, वो नीचे ऐसे ऐड भी कर सकते हो आप यहाँ से, अगर आपको ऐड करना हो वैसे जैन पार्ट वगैरह कुछ और भी, ब्राइटनेस डार्क मोड वगैरह जो तो ये सब कुछ यहाँ से ऊपर टोंगल में ऐड कर सकते हो आप। तो गाइज और गाइज कैमरा वगैरह भी इसका अच्छे से वर्क कर रहा है, कैमरे में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, यहाँ पे कैमरे में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, यहाँ पे कैमरा अच्छे से वर्क करेगा। तो और कॉलिंग में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, कॉलिंग वगैरह भी अच्छे से वर्क कर रही है, यहाँ पे कोई इशू नहीं मिलेगा आपको। तो गाइज आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब करना। तो थैंक यू गाइज सभी। तो गाइज आपको इंस्टॉलिंग प्रोसेस दिखा देता हूँ, इसका इंस्टॉलेशन करना। तो गाइज में पावर बटन दबा के सीधा तो रीस्टार्ट भी करके, तो गाइज यहाँ पे रिकवरी कर चला जाना, गाइज हमें रिकवरी पे क्लिक करके रिकवरी मूव करेंगे। तो गाइज हमें करना क्या है, गाइज हमें वाइप पे जाना है, और वाइप पे जाने के बाद में गाइज यहाँ पे एडवांस पे क्लिक करना, और गाइज सिंपली हमें डेल भी कैंची डाटा इंटरनल और सिस्टम वेंडर और ये सब गाइज हमें इन्हें स्वाइप अप कर देना, और हमें बैक आ जाना। तो गाइज मैं करने वाला नहीं हूँ, आपको दिखाने के लिए सब किया है, तो हम बैक आते हैं वापस। और गाइज हमें फिर फॉर्मेट भी कर देना गाइज, यहाँ पे यस लिख के वाई ई एस यस लिख के ग्रीन टिक पे कर देना है, जिससे गाइज आपका पूरा डाटा है जो फॉर्मेट हो जाएगा। तो फॉर्मेट करने के बाद में गाइज और पहले फर्मवेयर उसको प्लेस करना गाइज, यहाँ पे इंस्टॉल ऑप्शन पे जाके यहाँ पे अपना डिवाइस सिलेक्ट कर लेना गाइज, जहाँ पर भी ओटीजी हो तो ओटीजी और जो भी हो गाइज उसके अंदर, तो वहाँ से आपका जो पहले फ्रेमवेयर कर लेना, और उसके बाद में फ्रेमवेयर करने के बाद में गाइज हमें सिंपली हमारी फाइल को डाल के उन्हें प्लेस कर लेनी। तो यही है गाइज सिंपली प्रोसेस, तो कुछ नहीं है गाइज। तो थैंक यू गाइज, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक यू।